कि चप्पल झूल रहा है और निमूद लटकाए हुए रखे है, जैसे इंडिया में है। भाई रास्ता नहीं, पूरा रास्ता ही बवासीर है, इतना धूला इतना। गाँव के साइड पे आ गए, बहुत सारे दारू के बोतल साइड में पड़े हुए थे, दोनों साइड में बहुत सारे। वन ऑफ द बिगेस्ट हब है जहाँ से ड्रग्स का स्मगलिंग होता है, यहाँ से आता है अफ्रीका में होता है। चारियों नीले नीले टैक्सी, चारियों नीले टैक्सी, और हर टैक्सी में लिखा है RGB। RGB का मतलब जनरली जो लोग कंप्यूटर सिस्टम करते हैं उनको पता होगा, रेड ग्रीन ब्लू लाइट्स का कम्बिनेशन होता है RGB। और यहाँ पे RGB का मतलब है रिपब्लिक ऑफ गिनी बिसाओ। स्वागत है मेरे कंट्री नंबर 72 में, रिपब्लिक ऑफ गिनी बिसाओ में, गिनी बिसाओ में, या फिर सिर्फ बिसाओ भी कह सकते हो। यहाँ के लोकल अफ्रीका में सिर्फ बिसाओ कहते हैं, कैपिटल बिसाओ। बहुत ही छोटा देश है, बहुत ही कम पॉपुलेशन है, और ये वेस्ट अफ्रीका की सेकेंड पोर्तुगीज स्पीकिंग कंट्री है यहाँ पे। जी हाँ, बॉर्डर क्रॉस करने के बाद मेरे को फील आया कि हाँ नए कंट्री में आया हूँ, क्योंकि लोग पोर्तुगीज में बात कर रहे हैं। एव फॉलो पोर्तुगीज। दूसरी कंट्री है जो पोर्तुगीज में बात करते हैं वो है कापो वेद्रे, वो आइलैंड वाला कंट्री है, वो डकार के बहुत पास पड़ता है। वो मैंने अभी इस ट्रिप में स्किप कर रहा हूँ अभी फिलहाल के लिए, बट स्वागत है ऐसे ब्लू टैक्सी वाले कंट्री में, गिनी बिसाओ और उसके कैपिटल बिसाओ में। यहाँ पे आने के लिए इंडियंस को वीज़ा चाहिए होता है, और बेस्ट वीज़ा लेने के लिए जो शहर है जहाँ से मैंने लिया वो है जिग्नीचोर, अपने यहाँ पे जिग्नीचोर जो कि सेनेगल के साउथ पार्ट में बसता है। 3 मिनट में वीज़ा मिल गया था, 1 महीने का डबल एंट्री मिला है, इसका लगा $40 यहाँ पे, 25,000 सीफा, और सीफा करेंसी इधर भी यूज़ किया जाता है, तो 1,000 सीफा का मतलब होता है ₹140। यहाँ पे कोई फोर्ट्रेस लग रहा है, जैसे पोर्तुगीज लोग फोर्ट्रेस बनाने में बहुत माहिर है, अपने गोवा में भी फोर्ट्रेस है, गोवा जैसे ही लाल पीले नीले घर दिख जाएंगे, ऐसे घर आप लोगों को फ्रेंच वाले एरियाज में नहीं दिखेगा बट पोर्तुगीज वाले एरियाज में दिखेगा। और हाँ, हर कोई पोर्तुगीज में बात कर रहा है, तो मेरे को ज़्यादा समझ में आ रहा है, मेरा पोर्तुगीज फ्रेंच से भी बेटर है। अल्बर्टो मतलब खुला है। और ये यहाँ का मेन स्क्वायर, बिसाओ का मेन पार्क ऑफ इंडिपेंडेंस कह सकते हो इसको, पर छोटा सा है, लोग नहीं है, गाड़ी घूम रहे चारी ओर। मैं जा रहा हूँ ऑरेंज के उधर सिम कार्ड लेने और फिर दिन का आगे का पता करने। इधर बहुत सारे होटल्स हैं पर सारे बहुत महंगे हैं। तू सिम कार्ड, तू मैं यहाँ पे अपने सिम कार्ड ले रहा हूँ। सिम कार्ड 500 फ्रैंक में मैंने सिम कार्ड ले लिया, 500 फ्रैंक का मतलब होता है ₹70, उसमें मुझे 250 MB मिला है और 1,000 फ्रैंक का कॉलिंग मिला है। अभी इतना धनराशि लेके क्या करूँगा पता नहीं, वैसे इस कंट्री में कुछ ज़्यादा करने को है नहीं, बट एक चीज़ इंटरेस्टिंग है वो है कि यहाँ पे हर चीज़ में RGB लिखा है, RGB का अलग ही मज़ा आता है। जोर शोर से कंस्ट्रक्शन चल रहा है, उधर है समुद्र और इधर है गिनी बिसाओ का पोर्ट सामने जाने के बाद। अभी गिनी बिसाओ में पोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे मेन धंधा है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का। यहाँ पे बहुत सारा काजू बनता है, बहुत सारा काजू, जैसे अपने गाम्बिया में था, यहाँ से काजू पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट होता है, इसे दी कैश्यू कोस्ट भी कहा जाता है। यहाँ से बहुत काजू बिकता है और यहाँ के साइड में बहुत सारा आइलैंड्स है। और एक और चीज़ ख़राब है यहाँ का, यहाँ पर फेमस है वो है यहाँ से ड्रग्स की स्मगलिंग। गिनी बिसाओ वन ऑफ द बिगेस्ट हब है जहाँ से ड्रग्स का स्मगलिंग होता है, यहाँ से आता है अफ्रीका में घुसता है, लैटिन अमेरिका से इधर आते हैं शिप से या फिर फ्लाइट से, और यहाँ का माना जाता है कि इधर का कस्टम ऑफिसर बहुत करप्ट होता है। हम लोग को उसके अंदर इतना नहीं घुसता, हम लोग 2-3 दिन के लिए घूमने आए, घूमने के यहाँ पे दिख गया मुझे TVS के बाइक्स। और यहाँ पे इंडियंस बहुत धंधे करते हैं, मैंने सुना है इंडियंस बहुत कैशू का, रियल एस्टेट का और बाइक्स और कार्स का धंधा करते हैं, बहुत कुछ चलता है इधर। हम लोग अभी जा रहे हैं वापस हॉस्टल की तरफ, सिम कार्ड ले लिया उधर, आगे बढ़ते हैं। ये एकमात्र हॉस्टल है पूरे गिनी कुनाकरी में जहाँ पे मैं रह रहा हूँ। यहाँ पे काउच सर्फिंग हॉस्टल मिल गया था बट मैं कल रात को बहुत लेट आया था तभी मैं हॉस्टल घर नहीं गया, मैं हॉस्टल पे आ गया हूँ, चेकआउट कर लिया है, बट बंदे अच्छे हैं। वैसे तो ले लिया 8,000 सीफा यानी कि 1,150 रुपये, गोरिल्ला अपार्टमेंट्स कहते हैं इसको, बट
अभी हम लोग लंच करेंगे, उसके बाद जाएंगे होस्ट के घर। यहाँ पे 3-4 कॉच सर्विंग होस्ट ही है, ज़्यादा नहीं है। और ब्लू टैक्सीज मज़ेदार लग रहे हैं मेरे को, बसेस भी ब्लू। वाह वाह, बहुत सारे रंगीले रंगीले घर हैं यहाँ पे, बहुत सारे कलरफुल, बहुत सारे अंडर कंस्ट्रक्शन भी है। लग रहा है कि पुर्तगीज कॉलोनी में, गोवा में जो एरिया है ना, क्या कहते हैं उसको, एफ से कुछ नाम है, वैसा यहाँ का हाल है। इतना कलर नहीं दिखाता पहले, ना गामिया में ना सेनेगल में, इधर दिख रहा है। चीज़ें कुछ चीज़ें यहाँ पे ना थोड़ा ज़्यादा महंगा है कंपेयर करूँ गामिया के सेनेगल से, क्योंकि शायद उधर से माल आता है, यहाँ पर डायरेक्ट इम्पोर्ट नहीं होता है। यहाँ पर सिर्फ उल्टे पुल्टे चीज़ें इम्पोर्ट होते हैं और एक्सपोर्ट होते हैं, यहाँ से धंधा है। सामने है बड़ा सा पोर्ट जहाँ पे हैं बहुत सारे शिप, जंक यार्ड कहते हैं इसको, शिप जंक यार्ड सामने दिख रहा है, सारे शिप इधर ही कटे जाते हैं। तो हम लोग पोर्ट एरिया पे आ गए, वहाँ पे तो काम करने वाला पोर्ट है, यहाँ पे तो खराब वाला पोर्ट लग रहा है, देख सकते हो सब टूटे फूटे जहाज हैं। उधर एक पुलिस था, पीछे पुलिस एरिया था जहाँ पे मैंने रिकॉर्ड नहीं किया एंट्रेंस का, कोई कुछ बोला नहीं, तो मस्त है। ये समुद्र है, बट समुद्र आपको गंदा गंदा लगेगा इधर, क्योंकि इधर ओह अभी गिर जाता, ये टूटा हुआ है, मैंने देखा नहीं, अभी जान मुंह में आ गई थी मेरी। सामने बहुत सारे आइलैंड्स हैं, आप आइलैंड्स पर जाकर टूर कर सकते हो, बहुत जन आइलैंड्स में जाते हैं टूर करने के लिए, बट उतना खास सुंदर है नहीं, बहुत महंगा पड़ जाता है क्योंकि वहाँ पे रहना बहुत महंगा है, तो मैं उस आइलैंड्स पे टूर करने नहीं जा रहा हूँ। अगर आप बिसाओ का मैप देखोगे, कैपिटल के बाहर बहुत सारे आइलैंड्स हैं, उसी वजह से ये बहुत ही मार्शी एरिया है, जैसा अपना सुंदरबन एरिया हो गया वैसे मार्शी एरिया है, उधर भी एक आइलैंड है। कुछ लोग जाते हैं आइलैंड्स पे, मैं नहीं जाने वाला, बट ऐसा ही है। कुछ मोनूमेंट, कुछ टूरिस्टिक टाइप का लग रहा है ये एरिया, बट कुछ बना होगा किसी सालों पहले किसी गवर्नमेंट ने और फिर टूट गया होगा, ऐसा ही कुछ सीन होगा। बहुत ही ज़्यादा मिलिट्री है यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा, पता नहीं यहाँ पे कूप कूप कब हुआ होगा, एक्चुअली इस सारे कंट्रीज में कभी ना कभी हो चुका है, तो मेरे को कुछ खास पता नहीं। मैं बस एक अच्छा रेस्टोरेंट ढूंढ रहा हूँ वहाँ पर कुछ सस्ता खाना मिले, खाना यहाँ पर सस्ता मिल ही नहीं रहा, सब कुछ 5-7-10 के नीचे कुछ नहीं मिला, डॉलर के नीचे। तो इंडियन रेस्टोरेंट भी एक हांडी नाम का, देखते हैं क्या मिलता है इधर। आप नाम? राहुल। राहुल भैया, तो चलो, राहुल भैया का हांडी रेस्टोरेंट था, बहुत बढ़िया खाना खा लिया। इधर बिरयानी मिल रहा था अराउंड 800 रुपये में, और बाहर कुछ भी खाना मिल रहा था कम से कम 500 रुपये में, तो इनका बेकार का खाना खा के आके थक गया हूँ मैं, क्या ही बाहर का खाना खाऊँ। इधर बिरयानी खा लिया और अभी निकलते हैं यहाँ से, शाम के 5:30 बज गए, बातें करते करते अभी जाते हैं और पोस्ट के घर चलते हैं। 150 रुपये का बस है, इसे कहते हैं तोका तोका, तोका तोका बस लेके जा रहे हैं। एक और पब्लिक ट्रांसपोर्ट ले लिया, तोका तोका कहते हैं इसको, 150 देना पड़ा, यानी कि 20 रुपये के आसपास, 20 रुपये का पब्लिक ट्रांसपोर्ट। ये सब में मज़ा है, जो भी बोलो, ये लोकल के साथ ट्रैवल करने में दिन में मज़ा है, और सब कोई बहुत मदद कर रहे हैं दूसरे देश की तुलना में। भाई रास्ता नहीं, पूरा रास्ता ही बवासीर है, इतना धूला इतना धूला, और एकदम गांव के साइड पे आ गए, बहुत सारे दारू के बोतल साइड पे पड़े हुए थे, दोनों साइड में बहुत सारे। आई थिंक 150 लेता है बस का, मैंने 200 दे दिया, अब इंतज़ार करो अपने होस्ट का। देख सकते हो पूरे गांव के साइड आ गए, पर ये भी शहर के एरिया में पड़ता है। अगर आप बिसाऊ चेक करोगे, बिसाऊ सिटी, ये बिसाऊ सिटी का ही एरिया है। देखो भाई बिसाऊ सिटी का एरिया, ये बिसाऊ सिटी में पड़ता है।
अभी वेट करो अपने होस्ट का, एक फ्रेंच बंदा है एलन, इधर ही रहता है। ये है कैपिटल अफ्रीका में, तो ये होगा, मज़ा आ रहा है। अभी से आप लोगों को सुअर दिखना शुरू हो जाएंगे शायद। मेरे को अभी यहाँ पे मार्केट में बहुत सारे सुअर दिखे, क्योंकि यहाँ पे और वेल मेजोरिटी टेक्निकली इस्लामी है, यहाँ पे भी 60% या फिर 65% बट नाम के इधर के इस्लाम दारू भी पीते हैं बहुत और सुअर भी खाते हैं शायद। इधर बियर आराम सबको 60-80 रुपये में मिल जाता है, तो लोग मस्त धुन रहते हैं, ब्राज़ील जैसा माहौल है। वेट करो होस्ट का। तो इधर क्लब टाइप का हालत है यहाँ पे, वैसे तो गांव है बट मेरा जो होस्ट है फ्रेंच बंदा, उनके साथ मैं बातें कर रहा हूँ यहाँ पे बहुत सारे साल से, बातें करने में बहुत मज़ा आ रहा है। बियर भी पी रहे हैं, बियर आपको इधर 500 फ्रैंक में मिल जाएगा, यानी कि कितना होता है 70 रुपये। क्लब भी है इधर गांव में। तो ये जगह मिला है मेरे को अफ्रीकन स्टैंडर्ड में, बहुत बढ़िया जगह कहते हैं इसको। बस प्रॉब्लम ये है कि अंडर कंस्ट्रक्शन है, 3 का घर है, तो अंदर से बहुत गर्म हो जाता है और फैन भी नहीं है, पर हवा बह रही है, लाइट्स लगा हुआ है। अगर अच्छे से हवा आए तो रूम ठंडा हो जाएगा और सुबह ठंड भी लग सकता है। यहाँ पे रहूँगा मैं, इंडियन रेस्टोरेंट में इतना खाना खा लिया था कि अभी भूख ही नहीं लग रहा मेरे को। तो रात के 10 बज गए, सोता हूँ, कल सुबह जाके वीज़ा क्लियर करना है और फिर बाकी का थोड़ा आप लोगों को बिसाव दिखाऊँगा। बढ़िया है, तो ये गांव तो नहीं है, ये सिटी का ही पार्ट है, बट सिटी का छोड़ है। यहाँ पर मैं था कल रात को, अभी सुबह के 11 बजे निकल रहा हूँ वापस सिटी के सेंटर के लिए। वहाँ से वीज़े को अभी एक वीज़ा कलेक्ट करना है और फिर आगे बढ़ना है। और 19,000 सिफा देके मेरे को मिल गया आइवरी कोस्ट का 2 महीने का वीज़ा, जो कि आज 9 मई से 9 जुलाई तक वैलिड है। 19,000 सिफा का मतलब तकरीबन 30 यूरो, 2700-2600 रुपये के आसपास। चलो ये सबसे सस्ता वाला मिला, ये वीज़ा दूसरे का 80 या फिर 100 यूरो का लगता है, फॉरेसिंग में कुछ नहीं चाहिए होगा, तो गिनी कोना कर से ले लिया वीज़ा। वैसे ये देश उतना भी छोटा नहीं है बट बहुत छोटा है, वेस्ट अफ्रीका में सेकेंड मोस्ट छोटा कहूँगा आफ्टर अपना दिगाम्बिया, और पॉपुलेशन में दिगाम्बिया से भी कम है, सिर्फ 20 लाख पॉपुलेशन है, 20 मिल क्या, सिर्फ 20 लाख पॉपुलेशन है, बहुत ही कम पॉपुलेशन है। और अफ्रीका का टॉप 10 सबसे कम पॉपुलेटेड कंट्री ये है, और टॉप 5 या फिर टॉप 10 सबसे गरीब देश यही है। यहाँ पे बहुत डेवलपमेंट स्लो है, हॉस्पिटल्स बहुत ख़राब है, लोगों हॉस्पिटल में बड़े बड़े मर जाते हैं, और तो और यहाँ पे पब्लिक कॉलेज है ही नहीं, 12th तक पब्लिक स्कूल है, फिर सरकारी कॉलेज है ही नहीं, तो पढ़ाई नहीं कर सकते लोग, एजुकेशन भी बहुत ही स्लो है, मतलब हालत ख़राब है। बिज़नेस करना भी लोग कहते हैं मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे बिज़नेस रजिस्टर करने में कम से कम आपको 6 महीना लग जाता है एक बिज़नेस रजिस्टर करने में, तो हालत बहुत ख़राब है। कोई भी प्रेसिडेंट अभी तक 1970s के टाइम उनको इंडिपेंडेंस मिला था, कोई भी प्रेसिडेंट अभी तक पूरा टर्म सर्व नहीं कर पाया, हर कोई बीच बीच में हट जाता है या फिर कूप हो जाता है, तो हालत ख़राब है। 1999 में लास्ट सिविल वॉर भी हुआ था, तो ऐसा सीन है, गोलमाल है भाई, गोलमाल है बिसाऊ में। हर जगह पे आपको ये आर्टिसनल मार्केट मिल जाएगा चीज़ें खरीदने के लिए। मैंने ऐसे लिया था $1 में उधर से दी गाम्बिया से, और ये यहाँ पे आर्टिसनल मार्केट है सिटी के अंदर। एक तो होना चाहिए हर देश में सुविधा वुविधा के लिए, तो आपको अगर कुछ उठाना है तो यहाँ से उठा सकते हो, क्रोकोडाइल और नाइफ, बट इस नाइफ में कोई धारी नहीं है। हर जगह पे खाना ऐसे बनता है काट में लकड़ी के चूल्हे में, और पूरा बर्तन काला हो जाता है,
Fala português. Não muito português. Ah, você de vez em quando falar, você vai aprender português? Você é galo nacional? Ah, eu falo espanhol. Ah, você é espanhol? Uhum. Ah, e catalão? Dança. Muito fama na Guiné-Bissau. Até hoje. यहाँ पे गिनी-बिसाउ में सिनेमा हॉल नहीं है. देर इज़ नो सिनेमा हॉल इन दिस कंट्री. तो यहाँ पे सिनेमा नहीं है. लोग पहले देखते थे इंडियन मूवीज सिनेमाज में, अभी कैसेट्स में देखते हैं. इधर भी इंडियन मूवी का बहुत चल है. यहाँ पे आपको बहुत सारे कैथलिक सिस्टर्स दिख जाएंगे, जैसे अपने इंडिया में दिखता है. यहाँ पे भी 30% के ऊपर आज के दिन में क्रिश्चियन है कैथलिक वाले, और 30-40% मुस्लिम है. बाकी जो परसेंट बच गए वो एनिमलिस्टिक है, मतलब पत्थरों में, भगवानों में, सूरज में, पशुओं में भगवान देखते हैं. इधर भी मैं घरों के बाहर देखा कि चप्पल झूल रहा है और नींबू लटका वगैरह रखे हैं, जैसे इंडिया में है उसका कैटेगरी का ही भगवान का माना जाता है. एनिमलिस्टिक कहते हैं इनको. ओम साई, पक्का देसी दुकान होगा. वैसे ही इधर आप देख सकते हो मलिका होटल, ये भी पक्का देसी दुकान होगा. तो यहाँ पे देसियों के बड़े बड़े धंधे हैं. अच्छा लगता है देखने में. मरकाज़ सेंट्रल प्रोविजन यानी कि बड़ा सब्जी मंडी. तो मरकाज़ यहाँ पे लोग अच्छे हैं, चिल्ला नहीं रहे, जैसे दूसरी जगह भी चिल्ला सकते हैं. इधर मछली बाजार का मछली गन भी है, फल भी है, फूल भी है, सब कुछ है. और खाना भी मिल रहा है इधर सस्ते में. आपको 500 सिपा में खाना मिल जाएगा. 500 सिपा का मतलब हो गया लगा लो 600 सिपा का मतलब $1, यानी कि 70-80 रुपये में. ना तो 700-800 रुपये में खाना मिल जाएगा यहाँ पे. सही है, 700-800 रुपये नहीं, 70-80 रुपये में आपको खाना मिल जाएगा. यार लोगों से बात करके दिमाग हिल जाता है मेरा. और यहाँ पे आपको बहुत काजू मिलेगा, बहुत 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 सारा काजू और आम. काजू और आम यहाँ पे बहुत दिखता है. और भाई बहुत सारे गाँव माता है इधर, बहुत सारे गाँव माता. और निकल पड़ा हूँ मैं, 48 घंटे भी नहीं रुका इस देश में. मतलब जब तक बॉर्डर पहुँचूँगा तब तक शायद 48 घंटे हो जाएगा. बट सिटी में सिर्फ 1.5 दिन रुका हूँ. अभी निकलने का वक्त आ गया, कुछ ज़्यादा कुछ करने को है नहीं, तो मैं निकलता हूँ. कुछ लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम्स है मेरे को वापस. मेरा प्लान था यहाँ से नीचे गिनी-बिसाउ के बाद गिनी-कोनाक्री जाने का, जो सबका प्लान रहता है, और मैं वापस जा रहा हूँ सेनेगल. वो क्यों वो आपको अगले वीडियो में शायद पता चलेगा. टिल देन कीप एक्सप्लोरिंग. नहीं अभी नहीं, चलो चलते हैं बस स्टेशन, फिर ख़त्म करते हैं ये वाला वीडियो. टैक्सी मिल गया, 1000 बोल रहा है, मैं 700 में इसको मना लिया हूँ. अभी उतरते टाइम पता चलेगा कितना ले रहा है. यहाँ पे टैक्सी सस्ता है कंपेयर किया जाए सेनेगल से, बट इधर खाना महंगा है. और अभी आ गए बस स्टेशन पे, 2:15 बज रहे, तो शायद पहुंच जाएंगे सिग्नीचोर टाइम तक. जब जिग्नीचोर से वीसा आया था तब मैंने दिया था 4,500 रुपये मेरे शरीर का और 1,000 बैग का. यहाँ पे लगा 4,000 रुपये नहीं सिर्फ 4,000 मेरे शरीर का और 1,000 बैग का, 5,000 लग गया यानी कि 700 रुपये. अभी बस फटाफट गाड़ी फुल हो जाए तो निकल जाएंगे हम लोग इस गाड़ी में. यहाँ पे 4 जन डाल दिया, 3 जन की सीट पे हालत खराब है.
पैसा जनरेट होता नहीं है, मैं हर देश में कम से कम 3-4 दिन तो रुकने का कोशिश करता हूँ, बट पैसा में मान लो, लेकिन आप गूगल में रिसर्च कर लो, कुछ नहीं करने लायक। कुछ आइलैंड से जा सकते हो पर उतने भी खास नहीं है, क्योंकि नहीं पैसा में 2 दिन बहुत थे, 48 आवर्स में मैं नहीं रहा वहाँ पर, सिर्फ 36 आवर्स रुका था और अभी मैं निकल गया हूँ। टूरिज़म इन सब कंट्रीज़ में ज़ीरो, उसी वजह से हॉस्टल नहीं है, पर हाँ टूरिस्ट वीज़ा आसानी से मिल गया तो चला गया। और वेस्ट अफ्रीका के सारे कंट्रीज कर रहे हो तो आपको ज़रूर विजिट करोगे गिनी बिसाओ। और कंट्री बहुत सेफ है यार, अनसेफ का कोई सीन ही नहीं है, कुछ लोग अनसेफ बोलेंगे, चिल है, मज़े करो, आओ घूमो पियो निकल जाओ। एक कॉफिन और एक कोट, एग्जिट हो गया आराम से, कहीं पे पैसा नहीं मांगा। एक्सा के सेनेगल पे तीसरी बार के लिए 1000 सीफा मांगा पर मैंने दिया नहीं। और ये गिनी बिसाओ का वीडियो ये पे ख़त्म करते हैं, अगले वीडियो पे मिलते हैं, चलो कीप एक्सप्लोरिंग विद एक्सप्लोरर राजा।